प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों राम पथ से विकास पथ पर अटल है। प्रधानमंत्री का मन भले ही अयोध्या में हो, लेकिन देश भर में वो विकास का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर आज मुंबई से देखने को मिली है, जहां उन्होंने अटल सेतु का उद्घाटन किया और विकास का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाया। एक तरफ अयोध्या में 35,000 करोड़ की विकास की योजनाओं पर काम चल रहा है, तो वहीं मुंबई में पीएम मोदी ने अटल सेतु का लोकार्पण किया। कुछ दिन पहले ही अयोध्या वासियों को पीएम मोदी ने वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट की सौगात दी, तो वहीं अटल सेतु बनने से घंटों का सफर अब मिनटों में होगा। यानी एक तरफ अयोध्या का विकास हो रहा है, तो दूसरी तरफ मुंबई तक विकास की गूंज सुनाई दी। इन सब के अलावा पीएम मोदी की ओर से एक और तस्वीर आज सुर्खियों में रही, पीएम मोदी की, जिसमें वो मंदिर में झाड़ू और पोछा लगा रहे हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी आपको समझाते हैं। आग्रह दोहराऊंगा, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। विकास पथ से राम पथ तक मोदी का अभियान निरंतर जारी है। इस दौरान वो राम मंदिर के साथ ही विकास का भी संदेश दे रहे हैं। और बता रहे हैं कैसे 9 साल में बीजेपी सरकार ने देश के कोने कोने में विकास की तेज रफ्तार गाड़ी दौड़ा दी, जिसकी तस्वीर मुंबई से आई। यहां उन्होंने भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया, लेकिन उससे पहले वो नासिक के कालाराम मंदिर से देश के करोड़ों राम भक्तों को संदेश देने पहुंचे। 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पीएम मोदी 11 दिनों के अनुष्ठान पर हैं। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी से की, जहां श्री राम 14 वर्षों के वनवास के दौरान कुटिया बना कर रहे थे। इसके बाद नासिक में पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया और फिर विकास यात्रा पर मुंबई निकल गए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और अटल सेतु का उद्घाटन किया। जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे, अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करेगी। इससे नवी मुंबई के साथ साथ पुणे और गोवा भी मुंबई के और पास आ जाएंगे। इस ब्रिज को बनाने में जापान ने जो सहयोग किया है, उसके लिए मैं जापान सरकार की विशेष रूप से आभारी हूं। मैं आज अपने प्रिय मित्र स्वर्गीय शिंजो आबे को जरूर याद करूंगा। इस ब्रिज के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प हम दोनों ने मिलकर लिया था। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी थी, जो भारत का सबसे लंबा पुल और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। अटल सेतु लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है।
दो घंटे की दूरी अब 20 मिनट में तय हो सकेगी। इसे करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। महाराष्ट्र की यात्रा से पीएम मोदी ने दो बड़े संदेश दिए। पहला संदेश ये कि बीजेपी सरकार आस्था का सम्मान करना जानती है, जिसकी तस्वीर अयोध्या में दिख रही है, और दूसरा संदेश ये कि बीजेपी विकास पथ पर भी आगे बढ़ रही है, जिसकी गवाही मुंबई का अटल ब्रिज दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।